कुछ ऐसा नज़ारा है सुबह सुबह का गांव का। मैं यहाँ चिकन बन रहा है, बाकी अपना कैंपिंग टेंट ये रहा, बाकी सामान वगैरह इधर रखे हैं, बाकी थोड़ा मज़ा है ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फिशवात नए सब लोग में। और आज हम लोग आ चुके हैं अपने घर से, लगभग ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और अभी आए हैं हम, नाइट कैंपिंग करने वाले हैं और ये मेरा फर्स्ट कैंपिंग है, तो देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और देख सकते हैं सारा सामान इधर दिखाओ, सारा सामान हम ला लिए हैं, बाकी देख सकते हैं अभी टेंट वगैरह नहीं लगाए हैं, बैग में टेंट पड़ा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और अभी टेंट लगाते हैं, बाकी गोन फायर वगैरह करते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। और ये मेरा फर्स्ट कैंपिंग है, तो थोड़ा आज ट्राई किए हैं और ज़्यादा दूर नहीं आए घर से। देख सकते हैं इधर आपको मशीन का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि खेतों में पानी डाला जा रहा है इसलिए, और रात भर मशीन चलेगा तो डर भी उतना नहीं लगेगा। बाकी हमारे साथ में दो है और भी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियो को कैसा लगा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और अपना कैंपिंग टेंट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना कैंपिंग टेंट तैयार हो गया और उससे ज़्यादा ज़रूरी है गोन फायर करना, क्योंकि नाइट में कैंपिंग करना है तो गोन फायर ज़रूरी है, क्योंकि आग वगैरह इधर तो जल वगैरह आता नहीं है, बट जला लेंगे तो सही रहेगा। तो फटाफट चलते हैं, गोन फायर करते हैं। चलिए आग जला दिया अभी, अब थोड़ा इसमें जलाते हैं, फिर बाकी चिकन वगैरह धुलते हैं, धुल के तो लाए थे घर से, मसाला वगैरह लगाते हैं, फिर सेकते हैं। बाकी देख सकते हैं चेयर वगैरह लाए हैं, तीन चेयर लाए हैं घर से, और तो बैठने में भी आसानी होगा। अब बढ़िया जल रहे उधर आग, बाकी इधर मतलब चिकन सेकते हैं, बाकी तो कैंपिंग टेंट ये रहा और आज इंजॉय करते हैं आज का नाइट। बाकी देखेंगे, बाकी टाइम देख सकते हैं और 9:06, लगभग हम लोग आए हुए 1 घंटा हो गया, ये सारे कार्यक्रम करने में 1 घंटा लगभग हो गया, बट कोई नहीं, 9 बज रहा है, 10 बजे तक अपना खाना रेडी हो जाएगा, खाएंगे उसके बाद फिर सोएंगे। तो दोस्तों अपना चिकन बनना शुरू हो गया है, देख सकते हैं हमने उधर जलाया था तो सोचा कि लकड़ी का भी बचत हो जाएगा और अपना भी ये भी काम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इधर जला लिए हैं। तो अपना चिकन भी पक रहा है और अपना गोन फायर भी हो रहा है, बाकी इसको पानी को इधर कर देते हैं साइड में और फिर आपसे मिलते हैं पकने के बाद, मस्त इंजॉय करते हैं। बाकी अभी आप लोगों को दिखाते हैं हमारे साथ साथ कौन कौन आया है साथ में, देख सकते हैं ये हमारे अंकल जी हैं और ये हमारा छोटा भाई है, तो दोनों साथ में लेके आया हूँ ताकि कोई डर वगैरह भी नहीं लगेगा और बाकी इंजॉय करेंगे, तब मज़ा आ रहा है। तो चलिए अपना यहाँ चिकन बन रहा है, बाकी अपना कैंपिंग टेंट ये रहा, बाकी सामान वगैरह इधर रखे हैं, बाकी थोड़ा भी बचा हुआ है तो इसको बाद में पक जाने के बाद तब उसको लगाएंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं इतना पक गया है और ये थोड़ा सा और बचा हुआ था तो उसको पका रहे हैं हम लोग फटाफट, अब 10 मिनट में लगभग हो जाएगा ये भी, तो ये भी होने के बाद उसके बाद खाएंगे। देख सकते हैं पसीने कितना आ रहा है, क्योंकि आग के पास बैठे हैं तो गर्मी थोड़ा हो रहा है, बाकी गर्मी का तो टाइम है ही, तो गर्म तो लगेगा ही, बाकी हवा वगैरह थोड़ा चल रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा है, बट कोई नहीं, इंजॉय लेते हैं आज का। और अभी हम खा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा नमक वगैरह ज़्यादा हो गया है बट कोई नहीं, काफ़ी टेस्टी बना है। परिचय तो करा दिए हैं बट मैं नाम नहीं पूछा है, तो नाम बताइए अपना, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है प्रियांशु कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड ए। और आपका?
तो दोस्तों देखिए फाइनली हम लोग खा चुके हैं, खत्म हो गया, दोनों प्लेट खाली कर दिए हम लोग खा कर। और कैसा लग रहा था? मजा आया ना? मजा आया, काफी टेस्टी लग रहा था। पहला दिन था, यूज हुआ है, बाकी बीच तरफ पड़ा है, बट कोई नहीं, चलते हैं जो फटाफट प्लेट वगैरह धुलते हैं और फिर सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सुबह में। और इन दोनों लोगों को मैं घर पे जाकर छोड़ दूंगा, अभी बज रहा है 10:10 हो रहा है अभी, तो इन लोगों को ही जाकर घर छोड़ दूंगा क्योंकि इन लोगों को सुबह पढ़ने जाना है, तो यहाँ नहीं सुला सकते हैं क्योंकि प्राइड डिस्टर्ब होगा। तो फटाफट चलते हैं, इन लोगों को घर पे छोड़ देते हैं, बाकी उसके बाद घर पे छोड़ के यहाँ से 10 मिनट लगेगा जाने में, तो चलते हैं फटाफट। अभी 10 बज रहा है तो ज़्यादातर लोग अभी सोए नहीं है, घर वाले भी नहीं सोए होंगे और गाँव वाले भी जगे रहे होंगे, बट कोई नहीं, चलते हैं फटाफट और इन लोग को छोड़ के आते हैं घर और फिर उसके बाद हम यहाँ सोएंगे। तो दोस्तों फाइनली प्लेट वगैरह धुल दिए हैं, रख दिए हैं, बाकी ये चेयर लेके आए थे तो चेयर भी छोड़ दें घर पे ले जा करके, क्योंकि अब जरूरत नहीं है चेयर का, तो फटाफट चलते हैं इन लोगों को छोड़ के फिर आते हैं। तो चलिए इन लोगों को छोड़ के आते हैं घर पे, उसके बाद फिर आ करके अपना टेंट देख सकते हैं, टेंट यहीं पे है अपना, बाकी चलते हैं इन लोगों को छोड़ के आते हैं और फिर आते हैं तो फिर यहीं सोएंगे। बाकी देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, देख सकते हैं चारों तरफ आपको पेड़ दिखेगा। तो दोस्तों चलिए फाइनली छोड़ के आ गए दोनों को घर पे और अभी फटाफट चलते हैं सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सुबह में, और सुबह आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे कैंपिंग किए थे, इसका लोकेशन वगैरह आपको दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं और सोते हैं और जूते वगैरह खोल लेते हैं बढ़िया से। इसी को अंदर ही डाल देते हैं भाई, कुत्ते वगैरह ज़्यादा भौंक रहे हैं इधर क्योंकि कुत्ते ही ज़्यादा इधर भौंकते हैं, सब जानवर वगैरह तो है ही नहीं ज़्यादातर, बाकी नील गाय वगैरह होते हैं, हिरन हिरन तो इधर आता नहीं है, लोमड़ी वगैरह सियार वगैरह, बट कोई नहीं, ये बंद कर देंगे तो कोई कुछ नहीं आएगा भाई। कुत्ते वगैरह ज़्यादा भौंक रहे थे, पता नहीं क्लियर आ रहा होगा कि नहीं वीडियो में, लाइट बाहर दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और सोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सुबह में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो चलिए दोस्तों अपने कैंपिंग टेंट के अंदर आ गए और चलते हैं फटाफट सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सुबह। सो गुड मॉर्निंग गाइड, और वापस है, नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और देख सकते हैं मैं जहाँ पे सोया था कल, बाकी अपना एक ही चद्दर था और अपना सामान वगैरह इधर पड़ा है। और अभी ये टाइम बज रहा है 5:40 हो रहा है, देख सकते हैं 5:40 हो चुका है और अभी जस्ट जाकर नींद खुला हुआ है, और रात में काफ़ी परेशानी हुआ, नींद तो नहीं आ रहा था। देखिए कि नाइट में उन लोगों को छोड़ के आ गए थे घर पे और अकेला सोए थे कि उन लोगों का पढ़ाई था, बट कोई नहीं, जानवर का तो डर नहीं है इधर हमारे इधर, बट ज़्यादातर इधर जंगली सुअर और सियार वगैरह का डर है, बट कोई नहीं, अच्छा से नाइट अपना कट गया, फर्स्ट कैंपिंग था, सफल हो गया फाइनली। तो चलिए फाइनली बाहर निकलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा है माहौल बाहर का। तो कुछ ऐसा नज़ारा है सुबह सुबह का गांव का, बाकी देखिए लोग खेतों में काम करने के लिए आ चुके हैं गांव में, मोस्टली 5:30 जग जाते हैं सारे लोग तो काम करने आ जाते हैं। बाकी कुछ ऐसा नज़ारा है, चारों तरफ पेड़ वगैरह है, देख सकते हैं, तो और अपना कैंपिंग टेंट ये रहा। तो चलिए दोस्तों फाइनली इस वीडियो को इसी भी ख़त्म करते हैं, और ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।